हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपन संधारित्र पढ़ रहे थे, आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपन ने संधारित्र में क्या क्या देख लिया था। अपन ने संधारित्र की धारिता के बारे में बात कर ली थी। फिर अपन ने ये देख लिया था कि संधारित्र के अंदर अगर आप पराविद्युत पदार्थ भर दोगे तो आप उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सेकंड थिंग अपने देखी थी। फिर अपन ने देखा कि जब पराविद्युत पदार्थ से पूर्णतः संधारित्र को भर दिया जाए तब क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर अपन ने देखा था कि आंशिक रूप से किसी भी संधारित्र को भर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आज अपन उसी के अंदर एक तीसरी हेडिंग देखेंगे जो जनरलाइज फॉर्म है। हमेशा इस एक फॉर्म से अपन वो पिछले सारे डेरिवेशन कर सकते हैं। अभी आपको सिखाऊंगा कैसे बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब विभिन्न मोटाई के पराविद्युत पदार्थ क्या हो, भरे हो, तो इसके ऊपर बात करते हैं। अब अपन क्या देखेंगे कि अलग अलग मोटाई के पराविद्युत पदार्थ आपके संधारित्र के अंदर भर दिए अपन ने। तो सबसे पहले हमें जो काम करना होता है वो आप भी जानते हो, हम क्या बनाते हैं, संधारित्र बनाते हैं सर। ठीक है, संधारित्र की एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पे आपने ले लिया माइनस क्यू आवेश। ओके बेटा, अब संधारित्र की प्लेट के बीच में हमें क्या भरना है, पराविद्युत पदार्थ भरना है। तो मान लो ये आपने एक पट्टी भर दी और इस पट्टी के अंदर जो आपने पराविद्युत पदार्थ भरा है उसका पराविद्युतांक आपने मान लिया एप्सिलॉन आर और इस पट्टी की जो मोटाई है वो है टी वन। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया, एक और पट्टी भर दी। ठीक है, और इस पट्टी की जो मोटाई है आपके पास वो है टी टू और इसके अंदर जो आपने पराविद्युत पदार्थ भरा है उसका जो पराविद्युतांक है वो है एप्सिलॉन आर टू। ऐसे ही करते 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 आप इस संधारित्र के अंदर आपने टोटल एन पट्टियां फिल कर दी इसके अंदर और इस लास्ट वाली जो पट्टी है आपकी, ठीक है, इसका जो पराविद्युतांक है वो है आपका एप्सिलॉन आर एन और जो मोटाई है वो है आपकी टी एन। ओके, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो है आपका खाली। इसका मतलब आपने संधारित्र की प्लेटों के बीच में और ये प्लेटों के बीच की दूरी मान ली आपने डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि सर जो पट्टियाँ हैं वो कितनी दूरी में हैं, एक तो टी वन में है, प्लस टी टू में है, प्लस टी थ्री में है, प्लस टी एन में है, तो बाकी में क्या है फिर, हवा। हवा कितने में है, डी में से सभी पराविद्युत की मोटाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा आपके पास, हवा बच जाएगी बेटा। ओके, तो कल अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था आपको याद भी होगा कि वायु भाग में विभवांतर, अगर आप कुल विभवांतर की बात करें यहाँ से V इक्वल्स टू, तो क्या क्या है, वायु भाग में विभवांतर रहेगा आपका एक तो, हाँ ना, बिल्कुल सही सर, और दूसरा क्या है, आपके पराविद्युत पदार्थ है तो इन पराविद्युत पदार्थ के अंदर भी कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, तो विभिन्न माध्यमों में या विभिन्न पराविद्युत डेरिवेशन थोड़े बड़े हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएंगे, डरने वाली कोई बात है नहीं, बस आपको माइंड से खेलना है। अब वायु में विभवांतर प्लस पराविद्युत माध्यमों में विभवांतर। अब वायु में विभवांतर हमें पता है, वायु में जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, हम मानते हैं, कितना मानते हैं, ई नोट। ये क्या है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है आपका ई नोट।
तो इस माध्यम में आपका पराव विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई नोट अपॉन एप्साइलन आर एन, बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसमें कितना हो जाएगा ई नोट अपॉन एप्साइलन आर टू, इसमें कितना हो जाएगा ई नोट अपॉन एप्साइलन आर वन। ओके बेटा, अब देखो वायु भाग में जो विभवांतर है वो कैसे लिख सकते हैं अपन, वायु भाग में विद्युत क्षेत्र इंटू वायु भाग की मोटाई डी माइनस टी वन प्लस टी टू से कहाँ तक माइनस कर देंगे टी एन। अगर आप परावैद्युत पदार्थ को माइनस कर दोगे तो बाकी क्या बचेगा, वायु भाग ही तो बचेगा। यस सर। और विभिन्न माध्यमों में विभवांतर की बात करेंगे तो पहले भी माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है ई नोट अपॉन एप्साइलन आर वन और मोटाई कितनी है टी वन, दूसरे में कितना है ई नोट अपॉन एप्साइलन आर टू और मोटाई कितनी है टी टू, ऐसे अपन चलते चलेंगे और लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, nth पट्टी के अंदर इंटू टी एन। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। इसमें से अपन क्या कॉमन ले लेंगे, ई नोट कॉमन ले लेंगे बेटा। तो ई नोट जैसे ही आप कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा आपका डी माइनस टी वन प्लस टी टू से कहाँ तक जाएंगे टी एन तक, और यहाँ पे क्या बचेगा टी वन अपॉन एप्साइलन आर वन टी टू अपॉन एप्साइलन आर टू, और यहाँ तक जाते 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 क्या हो जाएगा टी एन अपॉन एप्साइलन आर एन। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे जो हमें नोट करनी है, हम जानते हैं कि ई नोट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट लिख सकते हैं बेटा। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन ए, ए क्या है समांतर प्लेट संधारित्र के जो प्लेटें हैं उनका क्या है क्षेत्रफल, बहुत अच्छे से बता रखा है। ई नोट इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइलन नोट ए, ठीक है, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ आगे। तो यहाँ से आपका ई नोट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी क्यू अपॉन एप्साइलन नोट इंटू ए, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे तो जो आपकी वी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी क्यू अपॉन एप्साइलन नोट ए, इसमें से क्या लिखेंगे डी माइनस टी वन प्लस टी टू से कहाँ तक जाएंगे टी एन तक जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टी वन अपॉन एप्साइलन आर वन टी टू अपॉन एप्साइलन आर टू, और कहाँ तक जाएंगे टी एन अपॉन एप्साइलन आर एन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गई V की वैल्यू। अब हमें निकालनी है कैपेसिटेंस, तो यू नो वेरी वेल C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे अब देखना ज़रा ध्यान से, Q V का जब आप वे मान रखोगे तो इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं, ये आपका Q, V का मान थोड़ा बड़ा है तो Q अपॉन एप्साइलन नोट ए डी माइनस टी वन प्लस टी टू से टी एन, ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा टी वन अपॉन एप्साइलन आर वन से लेके टी एन अपॉन एप्साइलन आर एन। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, Q से आपका Q क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो आपकी C की जो वैल्यू आएगी
सी की जो वैल्यू आपके पास निकल के आई है वो क्या आई है? एप्साइलन नोट ए अपॉन में डी माइनस टी वन से लेके टी एन, और यहाँ पे प्लस में टी वन अपॉन एप्साइलन आर वन से लेके टी एन अपॉन एप्साइलन आर एन। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल रिलेशन आ जाता है। सी इक्वल्स टू दिख तो रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है बढ़िया तरीके से, एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट धारिता की जो वैल्यू है वो जब हमने एन मोटाई की पट्टियाँ भर रखी है तब वो आ जाती है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला, जब हमने एन मोटाई की परावैद्युत की पट्टियाँ समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर भरे रखी है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इन क्वेश्चनों को करने के लिए या इन डेरिवेशंस को करने के लिए आपको दो अप्रोच को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपकी वायु है वो कितने भाग में है। ये देखने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सारे परावैद्युत पट्टिका की मोटाई को संधारित्र प्लेट की प्लेटों के बीच की दूरी में से क्या कर देंगे, माइनस। तो हमें पता चल जाएगा वायु कितने भाग में है, ठीक है ना। जितने भाग में ये है इनको छोड़ के शेष भाग में आपकी क्या है, वायु ही तो रहेगी। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। दूसरी बात, हमें पता है वायु भाग में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, अगर ई नोट है तो परावैद्युत में कितना होगा, वायु भाग में विद्युत क्षेत्र अपॉन उसका परावैद्युतांक। तो वायु भाग में विद्युत क्षेत्र ई नोट और उसका परावैद्युतांक कितना, कल अपन ने डिराइव किया था इसको, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते जाएंगे, वही कंसेप्ट वी इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है। हमने इस फॉर्मूले को दोनों के लिए लगा दिया, फिर हमने ई नोट को कॉमन ले लिया, ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से ई नोट की वैल्यू क्यू अपॉन एप्साइलन नोट ए। ओके बेटा, फिर जैसे ही ये वैल्यू आई आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, फिर हम जानते हैं सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, क्यू का मान अपन ने रख दिया। तो ये फाइनल डेरिवेशन आपका प्रूफ हो गया। ओके, ये बात हमने कर ली। अब हम इसी डेरिवेशन से, अगर ये आप एक डेरिवेशन कर लेते हो तो इससे सारे डेरिवेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जो अपन ने कल डेरिवेशन किया था, ठीक है ना, उसमें आपने कितनी पट्टिका भरी थी, एक, ठीक है, उसकी मोटाई आपने क्या ली थी, टी, और बाकी तो भरी नहीं थी। तो इसमें टी वन की जगह टी रख दो और बाकी की जगह क्या कर देंगे, जीरो, क्योंकि आपने एक ही तो पट्टी भरी थी कल, हाँ है ना। तो सी के अपन सी अगर निकालेंगे तो अपन क्या लिखेंगे सर, एप्साइलन नोट ए, ठीक है ना, अपॉन में डी, टी वन की जगह अपन ने क्या कर दिया, टी, और बाकी की जगह जीरो कर दिया क्योंकि अपन ने कल एक ही पट्टी भरी थी। तो ये कल वाले का फॉर्मूला आ गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्साइलन आर वन, ठीक है, ये आपका पहले का फॉर्मूला आ गया। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। सेकंड आपने क्या किया था, एक और डेरिवेशन, जो अपने पूर्ण रूप से जब पट्टी का भरी थी, ठीक है ना, ये तो आपका जब एक ही पट्टी का आपने भरी थी उसको मैंने प्रूफ कर दिया। एक ही पट्टी का मतलब आपने केवल और केवल T1 भरी थी और उसकी मोटाई आपने T मान ली, तो T1 की जगह T रख दो, बाकी पट्टी का ही नहीं है तो मोटाई कहाँ से आएगी, तो मोटाई कितनी हो गई सबकी, जीरो। तो सबकी जगह अपन ने क्या कर दिया, जीरो रख दिया। तो वो कल वाला जो डेरिवेशन है वो इससे डायरेक्ट प्रूफ हो जाता है, मैंने आपको करके बताया। आपने बोला था कि जब पूर्ण रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो, तो पहला ही पहला डेरिवेशन, तो अगर पूर्ण रूप से भरोगे तो ये T1 प्लस T2 प्लस, पूर्ण रूप से भरेंगे, इसका मतलब क्या है, ये परावैद्युत पदार्थ सारे संधारित्र के अंदर आएगा, हाँ कना, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया।
ठीक है, सभी के अंदर आएगा तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री सभी किसके बराबर हो जाएंगे, डी के। तो इसके अंदर टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन की जगह क्या रखोगे, डी। और जब एक ही परावैद्युत पदार्थ आप भरोगे तो सभी का परावैद्युतांक कितना रहेगा, एप्सिलॉन आर ही रहेगा। तो जैसे ही आप इसमें एप्सिलॉन आर वन इक्वल टू एप्सिलॉन आर टू इक्वल टू एप्सिलॉन आर थ्री इक्वल टू एप्सिलॉन आर एन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, ठीक है, सभी के अंदर जब आप एप्सिलॉन आर वन इक्वल टू एप्सिलॉन आर टू इक्वल टू एप्सिलॉन आर थ्री ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसके अंदर पुट करोगे तो आप क्या देखोगे कि सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला आपने बनाया था एप्सिलॉन नॉट इन टू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये वाला फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। तो पूर्ण रख के देख लेना घर जाके, T1 प्लस T2 प्लस T3 की जगह आप D रखना, इसकी जगह आप ये रखना, तो ये आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये एक सिंगल डेरिवेशन आप परफॉर्म कर लेते हो तो आप सारे डेरिवेशन एक साथ कर सकते हो। तो ये अपन ने तीन या चार केस अपन ने देखे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब आप अलग अलग मोटाई के परावैद्युतांक भरते हो तो उससे क्या इफ़ेक्ट आता है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया कि ये वाला इफ़ेक्ट आ जाता है। तो आई होप आपको ये अब और जो कल तो क्लियर हो ही गया था, आज आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन, ठीक है ना। तो आप इनके ऊपर प्रैक्टिस अगर एक दो बार अगर आप इसको खुद करोगे तो आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाओगे। ओके बेटा, तो ये आपका कौन सा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपने सभी केसों के अंदर ड्राइव करे ली। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है ना, अगर नहीं लिए तो बैक करके ले सकते हो, आपके पास ये सुविधा है। थोड़ा सा टफ है ये टॉपिक, और अब आपको टफ नहीं लगेगा क्योंकि अब आपने इसके ऊपर एक ही जैसे बहुत सारे डेरिवेशन कर लिए। तो आज आपका ये जो कल का जो एक बच्चा बोल रहा था कि सर थोड़ा सा टफ है, तो उस बच्चे के लिए कि अब आपको टफ नहीं लगेगा क्योंकि अब आपने बहुत सारे डेरिवेशन इसके ऊपर कर लिए, और अगर ये वाला आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लोगे तो बाकी के सारे डेरिवेशन आपके हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना तो बाकी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको आने वाली है नहीं, ठीक है ना, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता। अभी तक आपने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बात कर ली थी, अब अपन बात करेंगे गोलीय संधारित्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गोलीय संधारित्र के बारे में। तो गोलीय संधारित्र कैसा होता है, गोलीय संधारित्र में दो सहकेंद्रीय गोले होते हैं, ठीक है, जिनका केंद्र तो क्या होता है एक ही होता है, और उनकी त्रिज्याएं क्या होती है अलग अलग होती है, तभी तो सहकेंद्रीय गोले बनेंगे। और उनके ऊपर आवेश भी क्या होता है, परिमाण में समान होता है लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। तो अभी अपन उसको बनाने की कोशिश करते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता। कैसे गोले होते हैं सर, चालक गोले होते हैं, यू नो वेरी वेल चालक गोले होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, गोलीय संधारित्र की धारिता, तो ये आपके गोलीय संधारित्र आपके सामने अब अपन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ध्यान से देखेंगे, वही सेम कहानी है, वही एक सारा मुद्दा है, ठीक है ना। गोलीय चालक अपन लेंगे, बहुत ही केयरफुली अगर आप सुनोगे तो डाउट आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप बहुत ही अच्छे से अगर इस साथ साथ क्लासों को देखते जाओगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, पहला गोला,
और ये आपका क्या हो गया, दूसरा गोला। ये पहला गोला जिसकी त्रिज्या मैंने मान लिया आर टू, इसको नाम दे दिया मैंने बी। ये दूसरा गोला जिसकी त्रिज्या मैंने मान लिया आर वन और इसको नाम दे दिया मैंने ए। अब हमने बी को क्या दे दिया, माइनस आवेश दिया, तो बी की सतह पे यह आवेश समरूप रूप से फैल जाएगा क्योंकि बी को किसका है, चालक है, और चालक को जब आवेश देते हो तो वह सतह पे समान रूप से वितरित हो जाता है। अब जैसे ही इसके ऊपर आपने माइनस क्यू आवेश दिया बेटा जी, ठीक है ना, जैसे ही आपने इसको माइनस क्यू आवेश दिया तो प्रेरण के कारण सामने वाली सतह पे कैसा आवेश आएगा, स्फेरिकल सेल में अपन ने बहुत अच्छे से बात कर रखी है, अगर वहाँ से आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आज आप अच्छे से बता सकते हो कि सामने वाली सतह पे कैसा आवेश आएगा। सर जी प्लस क्यू आवेश आएगा। अगर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आएगा तो बाहर वाली सतह पे कितना आएगा, माइनस क्यू, लेकिन हमें तो संधारित्र बनाना है तो एक पे माइनस और दूसरे पे प्लस, तो उस बाहर वाले को हमें क्या कर देंगे अपन, ग्राउंड कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्राउंड कर दिया, तो जो बाहर माइनस आया था वो सारा कहाँ चला गया, पृथ्वी में, और जैसे ये पृथ्वी में चला गया तो आपका क्या बन गया, ये गोलीय संधारित्र बन गया जिसमें दो सहकेंद्रीय चालक गोले हैं जिन पर समान परिमाण में विपरीत प्रकृति का आवेश है। ठीक है, अब हमें पता है जो आपका चालक गोला होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो, और बाहर भी अब क्या हो जाएगा, जीरो। अंदर आपका विद्युत क्षेत्र आपने कितना ले लिया, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर है, तुम्हें बहुत अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है ना। तो ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी कहाँ से कहाँ हैं, धनावेश से ऋणावेश की तरफ है, तो यहाँ पे आपका कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र है और बाहर और अंदर आपका विद्युत क्षेत्र आपने कितना ले लिया बेटा, जीरो ले लिया। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपन ने क्या किया, एक चालक गोला लिया, क्या लिया, एक चालक गोला लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, एक चालक गोला लिया, ये इसका मान लो केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R2 है, इसकी त्रिज्या R1 है, इसको आपने माइनस क्यू आवेश दिया तो प्रेरण के कारण सामने वाली प्लेट पे कैसा आवेश आया, प्लस क्यू, पर हमें प्लस क्यू तो आ गया पर उसके कारण बाहर वाली सतह पे कैसा आवेश आएगा, माइनस क्यू, जो हमें नहीं चाहिए। तो अगर हमें नहीं चाहिए तो हमने उसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, और आपने ग्राउंड कर दिया तो वो सारा आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया, और अगर आपका सारा आवेश पृथ्वी के अंदर चला गया इसका मतलब बाहर वाली प्लेट पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है। एक बात और बताओ, जो अर्थ का जो आपका अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हमें पता है कितना होता है, जीरो, और ये ए की सरफेस है, तो हम लिख सकते हैं कि ए की जो सरफेस है उसका पोटेंशियल किसके बराबर होगा, अर्थ के पोटेंशियल के। तो यहाँ से ए का बाह्य सतह का पोटेंशियल कितना आया रहा है, जीरो। ये हमने बहुत अच्छे से बात करके देखो, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चल रही है आपकी, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। अब ये बाहर वाली प्लेट है और यहाँ का इसका, तो जो अर्थ का पोटेंशियल होगा वही तो इसकी बाहरी सतह का भी विभव होगा, तो बाहरी सतह का विभव किसके बराबर होगा, अर्थ के विभव के बराबर होगा, और अगर अर्थ के विभव के बराबर होगा तो अर्थ का विभव कितना है, जीरो, तो बाह्य सतह का भी विभव कितना हो गया आपका बेटा, जीरो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बी की सतह पे विभव लिखते हैं, बी की सतह पर कुल विभव लिखते हैं, बी की सतह पर अगर अपन कुल विभव लिखेंगे तो बी की सतह हो गई ये लो बेटा बी, ठीक है ना। अब बी के ऊपर देखो तो यहाँ पे दो बार लिख लेंगे वी बी प्लस
वी बी, एक वी डैश बी और एक वी डबल डैश बी, बहुत अच्छे से कर रखे हैं। एक तो बी की स्वयं के आवेश माइनस क्यू के कारण, ये तो किसके कारण है, स्वयं के आवेश माइनस क्यू के कारण, और एक हमें पता है ये बी किसके अंदर है, ए के, तो ये किसके कारण है, ए के आवेश प्लस क्यू के कारण, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखना सिखा रखा है। अब हमें अगर वी डैश बी का मान अगर निकालना है तो वो स्वयं के आवेश, स्वयं का आवेश कितना है माइनस क्यू, रेडियस कितनी है आर टू, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में आर टू। सेकेंड हम देखेंगे वी डबल डैश बी, अगर वी डबल डैश बी आप देखोगे तो किसके कारण है, ए के कारण, और ए के कहाँ है अंदर, ए के जो अंदर सतह पे होता है वही कहाँ रहेगा अंदर, तो वी डबल डैश बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर वन। ये दोनों वैल्यू अगर इसके अंदर आप रख दोगे तो वी बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वैल्यू अगर जब आप रखोगे तो माइनस के क्यू अपॉन आर टू प्लस के क्यू अपॉन आर वन, क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अपन का जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है, आपने कॉमन ले लिया के क्यू, अंदर क्या बचेगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यहाँ से अपन क्या लिखेंगे के क्यू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू, ये किसकी वैल्यू आ गई बी की, ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास बी की, यही मकसद था, ये हमने ठीक है वी की वैल्यू निकाल ली। अगर हमें धारिता निकालनी है तो हम जानते हैं अच्छे से क्यू इक्वल टू होता है हमारे पास सी वी, सी क्या वी क्या होता है विभवांतर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी ए बी, तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी ए बी। अब सर ये वी ए बी कैसे ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी क्या है, ठीक है हम क्या लिखेंगे वी ए बी इक्वल्स टू ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य में विभवांतर। अगर हमें वी ए बी निकालना है तो अपन क्या करेंगे वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। अब देखो ध्यान से, इसकी ऊपर वाली सतह ली है तो इसकी भी कौन सी सतह लेंगे, ऊपर वाली, और इसकी ऊपर वाली सतह का जो आपका पोटेंशियल है वो कितना है, तो वी ए बी इक्वल्स टू जीरो माइनस वी बी का मान आपका ये रहा के क्यू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू। यहाँ से जो वी ए बी की वैल्यू आपके पास जो निकल के आएगी बेटा वो आएगी के क्यू माइनस अंदर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन आर टू। अगर हमें कैपेसिटेंस निकालनी है तो वैल्यू पुट कर देंगे Q से Q कट गया, ठीक है ना, K का मान अपन R1 R2 ऊपर चला जाएगा अपॉन R1 माइनस
आर टू, और के का मान क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट, तो वन अपॉन फोर पाई भी एप्साइलन नॉट भी ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वन फोर पाई एप्साइलन नॉट आर वन आर टू अपॉन, इसको अगर ऐसा भी रखना चाहो तो रख सकते हो, आर वन आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू। तो ये किसकी धारिता आ गई, आपकी गोलीय चालक की धारिता। आपको इसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से पहले ही बात कर ली थी। क्या विभव निकालने की बात अपन ने बहुत अच्छे से कर रखी है, वो आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप नहीं देखोगे तो आपको समझ कहाँ से आएगा फिर, ठीक है ना। तो ये अपन ने बात कर ली, तो यहाँ से आपके पास किसकी धारिता आ गई, गोलीय चालक की धारिता आ गई। किया क्या सर हमने, सबसे पहले हमने गोलीय संधारित्र बनाया, क्या बनाया, गोलीय संधारित्र बनाया। गोलीय संधारित्र पे अपन ने दो धातु के चालक गोले लिए, एक पर आवेश माइनस क्यू दिया, दूसरे पे प्रेरण के कारण क्या आ गया, प्लस क्यू आवेश। अब इसके प्लस क्यू यहाँ आया है तो बाह्य सतह पे क्या आता, माइनस क्यू, पर हमें माइनस क्यू चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, संधारित्र। तो अगर उस माइनस क्यू को आपको हटाना है तो हमने क्या किया, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब हमें B की सतह पे कुल विभव लिखना है, तो B की सतह पे कुल विभव किस किस के कारण होगा, एक तो B के स्वयं के आवेश माइनस क्यू के कारण, और एक A के प्लस क्यू के कारण। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना, अलग अलग आपको मेंशन मैंने किया है। फिर हमने इसको क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, दोनों की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया इस वैल्यूज को, और आपकी ये वैल्यू बने गई, ठीक है ना। अब हम जानते हैं Q इक्वल टू सी वी होता है, बहुत अच्छे से आप जानते हो, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसी से अपन ने सारे डेरिवेशन परफॉर्म किए हैं। ओके बेटा, तो जैसे ही आपने Q इक्वल टू सी वी रखा, हमें अब क्या है, सी वी ए भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में विभवांतर वी ए माइनस, हमें पता है जो ए है वो किससे कनेक्ट है, ग्राउंड से। तो ए की बाह्य सतह का जो विभव है वह वही होगा जो ग्राउंड का है, और ग्राउंड का विभव पे अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा कर रखी है। ग्राउंड का विभव अपन कितना मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। तो अपन ने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो रख दिया बेटा। जैसे ही आपने इसको जीरो रखा, तो आपका ये माइनस आप अंदर ले गए, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो फाइनल जो आपका फॉर्मूला बना वो सी इक्वल्स टू फोर पाई एप्साइलन नोट आर वन आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू। ओके बेटा, और धारिता की यूनिट क्या होती है, फेरेड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फेरेड। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो फटाफट, ये गोलीय संधारित्र की धारिता आपके पास में आ जाती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस पॉइंट में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या देखेंगे, वही बात अन्य माध्यम में देखेंगे, इसको हर बार देखते आए हैं तो इस बार भी देखेंगे। तो अन्य माध्यम में क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं सबसे पहले अपन। अन्य माध्यम में आपका जो इफेक्ट आता है वो इफेक्ट अपन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अन्य माध्यम में अपन क्या देखेंगे कि सी मीडियम जब अपन लिखेंगे, तो सी मीडियम को क्या लिख देंगे, एप्साइलन नोट की जगह अपन क्या लिख देंगे, एप्साइलन एम आर वन आर टू अपॉन में आर वन माइनस आर टू। यहाँ से एप्साइलन एम की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन आर। ये वैल्यू जब अपन इसके अंदर पुट कर देंगे तो फोर पाई एप्साइलन नोट आर वन आर टू, एक साथ ले लेंगे इसको, अपॉन आर वन माइनस आर टू। ये इसकी किसकी वैल्यू आ गई आपकी, और यहाँ क्या आ जाएगा, एप्साइलन आर। ये सब साफ पूरी वैल्यू किसकी है, सी की। तो ये आपने फिर एक बार प्रूफ कर दिया, सी एम इक्वल्स टू सी इंटू एप्साइलन आर। तो ये गोलीय चालक के लिए भी ये बात सत्य है, किसके लिए सत्य है,
गोलीय चालक के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारे किसकी संधारित्र की धारिता आ गई, गोलीय चालक की धारिता आपके पास आ गई। अगर इस पे आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डेरिवेशन आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आप किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डेरिवेशन आता है तो आप इसके ऊपर ये डेरिवेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो उसका तो आपने ले लिया होगा, उसका भी ले लो, ठीक है। तो ये अपन ने एक और डेरिवेशन परफॉर्म किया, ठीक है। ये सारे डेरिवेशन आप करते रहना बेटा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आप छोड़ के चलोगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। हर एक वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखते रहो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से देखोगे उतना ही आपके फ़ायदा रहेगा, आपकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा। और अगर नहीं देखोगे तो बाद में आप पछताओगे, क्योंकि जो अब आपका स्कूल में जो कंटेंट शुरू होना है वो इससे आगे से शुरू होएगा, ठीक है ना। क्योंकि अपन ने आपको नोट्स भी दिए हैं साथ साथ में, तो जो अब स्कूल में जो आपका कंटेंट अपन शुरू करेंगे वो इसके जितना पढ़ा दिया जाएगा उसके आगे से शुरू कर लेंगे। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आपने जो 10th क्लास है उसमें प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, प्रतिरोधों का संयोजन आपने पढ़ा था। और प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में जब आपने पढ़ा था तो आपने ये बताया था कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो संधारित्रों का भी संयोजन होता है वो दो टाइप का ही होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना बेटा। तो संधारित्रों का भी संयोजन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है आपका समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब आप उसको एक बार रिकॉल करिए, ठीक है ना। उसको अगर आप एक बार रिकॉल करोगे तो आप क्या पाओगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में धारा समान रहती थी। क्या समान रहती थी? धारा समान रहती थी। इसके अंदर श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में क्या समान रहती थी? धारा। और संधारित्र है उनमें क्या समान रहेगा? आवेश। तो प्रत्येक संधारित्र पर ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे बोले कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हो कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या समान रहता है? समान रहता है, क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या रहता है? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या रहता है आपका?
समान रहता है। ठीक है, तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या रहता है, समान रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यह आपके पास कोई भी तीन संधारित्र है जिनको आपने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया। ओके बेटा, कितने संधारित्र हैं आपके पास? तीन संधारित्र हैं जिनको आपने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट। इस संधारित्र के ऊपर आपका आवेश है Q, इसके ऊपर भी फिर क्या रहेगा Q, और इसके ऊपर भी क्या रहेगा Q। ये V वोल्ट की बैटरी है, तो मान लो इस संधारित्र के ऊपर जो आपका विभवांतर है वो कितना आएगा V1, इस संधारित्र के ऊपर जो आपका विभवांतर है वो कितना आएगा V2, और इस संधारित्र के ऊपर जो आपका विभवांतर है वो क्या आएगा V3। इस संधारित्र की जो कैपेसिटेंस है वो है C1, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है C2, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है आपकी क्या C3। ठीक है ना, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। डेफिनेशन तो आपको याद हो गई होगी, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो बदल कौन रहा है, विभवांतर। क्या बदल रहा है, विभवांतर। अब हम क्या करते हैं कि जो ये तीनों कैपेसिटर मिलके जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तो इसका क्या है, परिपथ है। जो ये तीनों कैपेसिटर मिलके जो ये काम कर रहे हैं उनकी जगह अपन एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो जो ये तीनों काम कर रहे हैं वो ये काम क्या कर दे, अकेला कर दे। क्या कर दे, अकेला। तो चार्ज Q, विभव मान लिया आपने इसके ऊपर क्या है V, विभव आपने इसके ऊपर अब भी कितना है V रहेगा, और इसकी जो धारिता है वो कितनी हो गई अब है C इक्विलेंट, तुल्य धारिता हो गई। तो ये जो आपका ये इसी के ही तुल्य परिपथ है, ये क्या है, तुल्य परिपथ है। जो काम ये तीनों संधारित्र कर रहे थे वो ये अकेला कर देगा, ठीक है ना। तो कौन बदल रहा है इसके अंदर, विभवांतर बदल रहा है। कौन बदल रहा है, विभवांतर बदल रहा है। तो देखो V का जो है V किसके बराबर होगा, जो आपका नेट V है वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के, हम जानते हैं कि हमें पता है कि जो Q है वो किसके इक्वल है, C1 इंटू क्यू आपका किसके इक्वल है, C1 इंटू V1। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन C1। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन C2। सेम टाइम से अपन फॉर्मूला लगाते जाएंगे, V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन C3, और जो V है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन C इक्विलेंट। ठीक है, अब ये सारे मान अपने समीकरण में रख देंगे तो क्यू अपॉन सी इक्विलेंट इक्वल्स टू क्यू अपॉन C1 प्लस क्यू अपॉन C2 प्लस क्यू अपॉन C3। क्यू क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्यू अपॉन सी इक्विलेंट इक्वल्स टू क्यू, यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन C इक्विलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन
C3 ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही आपका सीरीज कॉम्बिनेशन की तुल्यधारिता होती है। एक ही बात याद रखनी है, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसका मतलब क्या समान है, आवेश समान रहता है। तो कौन बदल रहा है, विभवांतर बदल रहा है। तो अपने को जो काम करना है वो जो बदलता है उसी पे ही करेंगे। मैंने आपको पहले भी ये ट्रिक बता रखी है। तो कौन बदल रहा था, विभवांतर, तो मैंने विभवांतर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो फिर जैसे जैसे वैल्यू रखते गए, अब जो काम ये तीनों कैपेसिटर मिलके कर रहे थे वही काम इनने कर दिया। तो ये इसकी जगह मैंने एक सी इक्विलेंट लिख दिया, तो सी इक्विलेंट इक्वल टू क्यू। तो ये आप और इसका जो आवेश है वो क्या है, क्यू विभवांतर है वी, फॉर्मूला लगा दिया और प्रूफ कर दिया। अब एक आपकी छोटी सी चीज़ बहुत बार आती है कि जब दो संधारित्र जुड़े हों, C1 व C2 धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में ये आपका नोट, ये आपको क्योंकि ये पहले भी बताते हैं टेंथ में भी, C1 व C2 धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब आपका फॉर्मूला 1/C equivalent = 1/C1 + 1/C2। एलसीएम ले लेंगे तो C1 C2 = C1 + C2। अब इसको उल्टा करना पड़ेगा आपको, तो उल्टा करोगे तो C इक्विलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 C2 / C1 + C2। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे उल्टा है ये, ठीक है ना। तो आपको इसको सीधा करना है और सीधा करोगे तो उधर वाला भी सीधा हो जाएगा। बच्चे यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो ये आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान में रखना है। ओके बेटा, बिल्कुल आपको अच्छे से दिख रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, समांतर क्रम संयोजन की, किसकी बात करेंगे, समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन के बाद अपन अब क्या पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समांतर संयोजन में समांतर समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। कभी कभी इसको एक और नाम के साथ भी आपको दे देता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हो सकता है इस नाम से दे दे आपको पेपर में, पार्श्व क्रम संयोजन, ये भी दे देता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो समांतर क्रम संयोजन, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन बनाते हैं, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान समान होता है समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान समान होता है समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब विभवांतर का मान अगर समान है तो इसका मतलब क्या, किस पे काम करना है, आवेश पे। तो वही अपने पास, इसका पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं फिर अपन इसका डेरिवेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
अब यहाँ देखो V, ठीक है, तो इस संधारित्र की धारिता C3, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C1, ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने आवेश मान लिया Q1, इसके ऊपर मैंने आवेश मान लिया Q2, इसके ऊपर मैंने आवेश मान लिया Q3। ओके बेटा, अब इसके ऊपर आपका विभवांतर है वो कितना है, V है। इसके ऊपर भी जो आपका विभवांतर है वो भी V है, और इसके ऊपर जो विभवांतर है वो भी कितना है, V। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होता है, समा विभवांतर का मान समान होता है, क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का डायग्राम तो दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, कोई इशू ही नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान क्या रहता है, समान रहता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब ध्यान से देखना, जो काम ये आपका सर्किट कर रहा है वही काम अगर अपन इसकी जगह एक ही सर्किट से कराना चाहें तो अपने को इसका तुल्य परिपथ बनाना पड़ेगा। अगर तुल्य परिपथ बनाएंगे तो बहुत अपन जानते हैं तुल्य परिपथ बनाना, ये लो सर, ठीक है, ये लो सर, तो विभव तो आज भी कितना रहेगा, V रहेगा सर। इसके ऊपर आवेश क्या मान लिया मैंने, Q मान लिया, और इसकी जो धारिता है वो कितनी मान ली मैंने, फिर से C इक्विलेंट मान ली सर, कितनी मान ली बेटा, C इक्विलेंट। कौन सा संयोजन है ये, समांतर क्रम संयोजन, क्या समान रहता है, विभवांतर, ठीक है। तो किस पे काम करेंगे, आवेश पे, तो यू नो वेरी वेल आवेश संरक्षण से क्यू इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3, क्यू इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3। अब देखो क्यू इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, सी इक्विलेंट इंटू वी। Q1 इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू वी। Q2 इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, C2 इंटू वी। और Q3 इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, C3 इंटू वी। ये सारी वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, सी इक्विलेंट इंटू वी इक्वल्स टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। वी क्या ले लेंगे, वी यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, कॉमन, तो वी अपन ने क्या ले लिया, कॉमन। आगे देखेंगे वी अंदर क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस में C3। V से V आपका हो जाएगा कैंसिल, तो C इक्विलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपकी कौन सी कॉम्बिनेशन के अंदर धारिता आ गई है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। किसके अंदर धारिता आ गई है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर एक तीन से ज़्यादा संधारित्र जुड़े रहते तो क्या कर देते, उसमें जोड़ते जाते आगे। तो अपन ने यहाँ से एक बात सीखी कि जो आपने संधारित्र पढ़ा है और जो आपने प्रतिरोध पढ़ा था, संधारित्र और प्रतिरोध एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। संधारित्र में श्रेणी क्रम में क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और संधारित्र में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी टाइप से जो आपका संधारित्र का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या आता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन संधारित्र का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर क्या आता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमेशा ध्यान रखेंगे R का जो सीरीज है वो C का पैरेलल है, और R का जो पैरेलल है वो C का क्या है, सीरीज है, ठीक है ना।
तो ये आपको ध्यान रखेंगे, R का जो सीरीज है वो C का पैरेलल है, और R का जो पैरेलल है वो C का क्या है, सीरीज है। ओके बेटा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अपन इसको दो फर्दर इसको अपन ने सिंपल सा कर लिया क्या, कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान समान रहता है, ये तो हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। और संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर किसका मान समान रहता है, आवेश का मान समान रहता है, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। सर ये तो पता चल गया, ठीक है। अब एक बात आपको ये ट्रिकी बात रहेगी आपके लिए कि सर किस पे काम करना होता है, तो जो लगातार बदल रहा होता है उसको अपन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन था वहाँ पे आपका विभवांतर बदल रहा था, तो अपन ने जो न्यूमेरिकल प्रोग्रेस जो आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन जिस पे परफॉर्म किया वो क्या था, विभवांतर। इसके अंदर आपका क्या बदल रहा है, आवेश। तो इसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, आवेश के ऊपर। ओके ठीक है, तो इसको अपन एक छोटे से ठीक है ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को आप एक छोटे से फॉर्मूले से याद रख सकते हो। श्रेणी क्रम का जो आपका फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, 1 upon C equivalent = 1 upon C1 + 1 upon C2 + 1 upon C3। क्या समान है इसमें, आवेश। क्या समान था, आवेश। और बदल कौन रहा है, बदल कौन रहा है, विभवांतर। कौन बदल रहा था, विभवांतर, ठीक है। तो काम किस पे करेंगे, विभवांतर पे। फिर आता है आपका समांतर क्रम जिसे पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो C इक्विलेंट की जो वैल्यू आई वो क्या है, C1 + C2 + C3। समान कौन था इसमें, विभवांतर। कौन समान था, विभवांतर। तो बदल कौन रहा है, बदल कौन रहा है, बदल रहा है जी आवेश। कौन बदल रहा है, आवेश बदल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जो आपकी कैलकुलेशन है वो इस टाइप से रहेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये आपका एक और मेजर पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर एक दो टॉपिक और बचे हैं, फिर ये वाला चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको प्रॉपर PDF मिल रही है, ठीक है, और आपके पास उस PDF के अंदर से आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। आप न्यूमेरिकल लगाते रहिए, HC वर्मा करते रहिए। कोई डाउट आएंगे तो जैसे ही अपने स्कूल खुलेंगे अपन उसके ऊपर बात करेंगे। आपको DPP भी मिलती रहेगी, DPP में जैसे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। एक का तो सॉल्यूशन आपके पास पहुँच चुका है, बाकी एक जो आई है उसमें से अपन प्रॉब्लम मैं आपको बता दूंगा। पर आप कंटिन्यू क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आता है तो आप बताते रहिए। मैं आपको हमेशा ये कहता रहता हूँ कि आप बताया करो बेटे, 4-5 बच्चे हैं जो बताते हैं बस, बाकी तो पता नहीं, ठीक है। तो आप इतनी सी भी बात अगर नहीं मान सकते फिर आप क्या बात मानोगे, फिर कैसे उम्मीद कर लें कि आप पढ़ रहे हों, ठीक है। तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।